आपका क्वेश्चन गिवन है कि एक बाइनरी ट्री गिवन है, बाइनरी सर्च ट्री BST है। BST की प्रॉपर्टी क्या होती है? लेफ्ट में स्मॉल आएगा और राइट में क्या आएगा? ग्रेटर आएगा। क्या आएगा? ग्रेटर आएगा। ओके, सो बाइनरी सर्च ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है जनरेटेड बाय द इंसर्टिंग नोड। आपने नोड इंसर्ट करनी है और क्वेश्चन में क्या पूछा है? नंबर ऑफ नोड इन द लेफ्ट सब ट्री एंड द राइट सब ट्री। जब ऐसा कुछ गिवन होता है तो सबसे पहले हम जो भी हमारी सीक्वेंस के अंदर पहली नोड होती है उसको हम रूट नोड मान लेते हैं। अब लेफ्ट में क्या आएंगे और राइट में क्या आएगा? जो हमारी ग्रेटर होंगी, जो लेस होंगी 50 से, वो हमारी लेफ्ट में आ जाएंगी। कितनी लेस है? एक 15 लेस है, एंड 5 ले भी 50 से लेस है, 20 भी 50 से लेस है, और हमारा क्या आ गया 3 एंड 8। 3 भी हमारा क्या है 50 से लेस है, 8 भी 50 से लेस है, एंड 37 भी हमारा क्या है 50 से लेस है, 24 भी हमारा 50 से लेस है। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। सेवन नोड जो हमारी लेफ्ट सब ट्री में आएंगी। तो जो क्वेश्चन क्या था? लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री रिस्पेक्टिवली। तो 7 ए की ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन नंबर बी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। और 50 से ग्रेटर क्या है? 4 ही नोड बचेंगे जो है 62 इधर आ गया, 58 इधर आ गया जो 50 से ग्रेटर होगा, 91 इधर आया और 60 इधर आया। ओके, सो राइट में 4 आई और लेफ्ट में कितनी आ गई? 7। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज बी। ओके, सो अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ कि इसका बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनाएंगे। बाइनरी सर्च ट्री जो भी सीक्वेंस के अंदर पहली नोड आ रही है, जैसे 50 आया, 50 को रूट नोड मान लो, उसके नेक्स्ट नोड क्या है कंपेयर करो, तो क्या है 15। 15 को कंपेयर किया तो 50 से लेस है। नेक्स्ट नोड आई 62, 62 क्या है? ग्रेटर है 50 से, रूट नोड से कंपेयर किया। नेक्स्ट 5 आया, 5 को रूट नोड से कंपेयर किया, 50 से लेस है। नेक्स्ट आए हम लेफ्ट में आए, 15 से कंपेयर किया, 15 से लेस है, तो इसलिए क्या गया? 15 के लेफ्ट में गया। नेक्स्ट नोड हमारी 20 है, 20 हमारी 50 से लेस है, 15 से ग्रेटर है, इसलिए इसके राइट में चला गया। नेक्स्ट 58 है, 58 50 से ग्रेटर है। नेक्स्ट 62 से लेस है, इसलिए हमारा कहाँ चला गया? 62 के लेफ्ट में चला गया। नेक्स्ट नोड हमारी 91, 91 50 से ग्रेटर है, 62 से भी ग्रेटर है, इसलिए राइट में चला गया। नेक्स्ट हमारी 3 है, 3 क्या है हमारी 50 से लेस है, 15 से भी लेस है, 5 से भी लेस है, इसलिए लेफ्ट में गया। नेक्स्ट हमारा 8 आया, 8 हमारा क्या है 50 से लेस, 15 से लेस, 5 से ग्रेटर, इसलिए इसके राइट में चला गया। नेक्स्ट हमारा 37, 37 50 से लेस, 15 से ग्रेटर, एंड 20 से भी ग्रेटर, इसलिए हमारा कहाँ चला गया? राइट में चला गया 20 के। नेक्स्ट हमारा आया है 60, क्या आया? 60, 50 से ग्रेटर, 62 से लेस, 58 से ग्रेटर, क्या है 58 से ग्रेटर आ गया 60। नेक्स्ट आया हमारा 24, 24 हमारा 50 से लेस है, 15 से ग्रेटर है, 20 से भी ग्रेटर है, बट 37 से लेस है, तो क्या आ गया यहाँ पे 24। कुछ इस तरीके से हमारा बाइनरी ट्री बना है, BST बना है। तो अगर आप इसको चेक करोगे तो कहीं भी प्रॉपर्टी वॉलेट नहीं होनी चाहिए कि भाई लेफ्ट साइड में आपका ज़्यादा आ रहा हो उसके पेरेंट नोड से। और आप ऐसे पूरा चेक करोगे 50 तक, ऐसे रूट नोड तक, हर एक लेवल पे चेक करोगे तो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसका जो ट्री बनेगा वो ये बनेगा। और नंबर ऑफ नोड इन लेफ्ट सब ट्री अगर काउंट करोगे आप, ये 7 है और राइट सब ट्री में क्या है 4 है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर विद इन ए ट्रिक। ओके।